गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप फौजदार, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी चिकित्सा की वो विधा है जहाँ पर हम चेहरे, जबड़े एवं चेहरे की हड्डियों से संबंधित जो भी बनावट है, जो भी आकार है, जो भी उसकी प्रकृति है, उसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसी के बारे में उसका इलाज करते हैं। अगर हम चेहरे की बात करें तो हमारा चेहरे के मुख्य भाग जो है, एक तो हड्डियाँ हैं जो बनाती हैं चेहरे को, और बाकी हैं मांसपेशियाँ जो चेहरे की बनावट को पूर्ण करती हैं। पूरे शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे 14 हड्डियां हैं। पूरे शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं, जबकि हमारे चेहरे पे 43 मांसपेशियां होती हैं। अगर हम लोग दो भाग में अपने आज के इस टॉपिक को विभाजित करें, तो पहला मैं बात करना चाहूँगा हड्डियों के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 13.5% भाग जो है चेहरे का, वो 14 हड्डियों से बना हुआ होता है, यानी कि 206 में से 14 हड्डियां हैं जो चेहरा बनाती हैं, जिसमें से जुड़वा हड्डियां होती हैं 6, कुल मिला के हुई 12 हड्डियां, और दो हड्डियां होती हैं जो होती हैं अकेले, यानी हो गई 14 हड्डियां, जिसमें से कि दो गाल की हड्डी हैं, दो आँख के इस साइड और इस साइड दो दो हड्डियां हैं, दो नाक की हड्डी हैं, दो ऊपर के जबड़े की हड्डी हैं। अगर हम अनपेयर्ड बोन की बात करें तो हमारा नीचे का जबड़ा एक सिंगल बोन में है और हमारे नाक के बीच वाली जो हड्डी होती है वो एक सिंगल पार्ट में। तो इस तरह से कुल 14 हड्डियां हैं। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जब या तो हम किसी एक्सीडेंट से गुजरते हैं या फिर किसी मारपीट के दौरान हमारी अगर हड्डियां टूटती हैं, हमें चोट लगती है, तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा खतरा हमारी हड्डियों को टूटने का है, जिसमें नाक की हड्डी सबसे कॉमन है और हमारे नीचे का जबड़ा वो सबसे कॉमन है। इसीलिए राय दी जाती है, सलाह दी जाती है कि आप हमेशा अगर टू व्हीलर पर हैं तो हेलमेट पहन के चलें, अगर आप फोर व्हीलर में हैं तो अपना सीट बेल्ट लगा के रखें और आपकी कार में हमेशा एयर बैग्स फंक्शन होने चाहिए। तो अगर हमारी इनमें से 14 में से कोई भी हड्डी टूटती है तो हमारे पूरा चेहरे की बनावट को खतरा है। इसके अलावा जो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन हैं, 5 के 5, वो सभी के सभी हमारे चेहरे पे ही छुपे होते हैं। अगर हमें देखना है तो हमारी आँखें इस्तेमाल होती हैं, अगर हमें सूंघना है तो हमारी नाक इस्तेमाल होती है, अगर हमें फील करना है तो हमारा स्किन इस्तेमाल होता है, अगर हमें सुनना है तो हमारे कान इस्तेमाल होते हैं, और अगर टेस्ट लेना है तो हमारी जीभ इस्तेमाल होती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो सभी चेहरे से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर हमें कभी एक्सीडेंट होगा, कभी चोट लगेगी, तो हम में से ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह से इन किसी सेंसरी ऑर्गन में चोट पहुँचेगी, और उस समय हमारा एक तो चेहरा ख़राब होने की संभावना है, हमारे जो फंक्शन है इन 5 सेंसरी ऑर्गन की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें से कुछ भी ख़राब हो सकता है, हमारा मुंह खुलने में कमी आ सकती है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, हमारा टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप हमेशा अपना प्रिकॉशन सारे लेके चलें, चाहे टू व्हीलर पे हैं चाहे फोर व्हीलर पे हैं। मारपीट वाली जो घटनाएं होती हैं, जिसमें अक्सर मान लीजिए कि रोड रेज है या किसी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है, तो उस केस में अगर ये हमें चोट लगती है तो ये हमारी इंजरी होने के चांस रहते हैं। अगर मान लीजिए कि हड्डी टूटती है, और कितनी हड्डी टूटती है उस पर निर्भर करता है कि उसका इलाज कैसे होना है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी अब वो स्पेशलिटी डेवलप हो रही है जहाँ पे हमारा सारा फोकस, सारा प्रशिक्षण सिर्फ और सिर्फ चेहरे की बनावट को यथावत करने के ऊपर ही केंद्रित है। तो यदि आपकी गाल की हड्डी अंदर चली गई है या बाहर चली गई है, या नीचे का जबड़ा 2 या 3 हिस्सों में टूट गया है, या उससे संबंधित दांत हैं वो अगर टूट गए हैं, तो सभी को यथावत किया जाता है, चाहे वो ऑपरेशन के द्वारा हम लोग प्लेट और स्क्रू का इस्तेमाल करें या फिर तारों का इस्तेमाल करें। नाक की हड्डी सबसे ज़्यादा कॉमन हड्डी होती है, जब कोई भी चोट या मारपीट की घटना होती है तो उसमें टूटती है। अक्सर नाक की हड्डी के साथ हमें ऑपरेशन करके प्लेट लगाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि हम जैसे प्लास्टर हाथ पैरों में लगाते हैं, उसका इस्तेमाल करके और हड्डियों को ठीक से बिठा के उसको इमोबिलाइज करना होता है। अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो ये समझना ज़रूरी है कि मांसपेशियां 2 तरफ से जुड़ी हुई होती हैं। एक उनका सिरा जुड़ा हुआ होता है स्किन से ऊपर, और एक सिरा उनका जुड़ा हुआ होता है हड्डी के साथ। तो ये एक सेतु की तरह काम करती हैं। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं, तो सब कुछ मांसपेशियों के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मुस्कुराना है तो मात्र 10 मांसपेशियाँ काम आएंगी, लेकिन अगर आप किसी पर क्रोधित हैं तो आपकी 43 की 43 मांसपेशियों को काम करना पड़ेगा। सारी की सारी आपकी एनर्जी जो है इस नेगेटिविटी में चली जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि जिस काम में सबसे कम नेगेटिविटी हो वो किया जाए, यानी क्रोधित कम हुआ जाए और स्माइल ज़्यादा किया जाए। ऑब्वियसली बात, अगर हम बात करें कि मांसपेशियों के आकार में समय के साथ जो परिवर्तन आते हैं,
परिवर्तन आने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो झुर्रियाँ आपके चेहरे पर पड़ती हैं, आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं उस तरीके से आपके होंठ, आपकी जो गाल है वो उस तरीके से मूव नहीं कर पाता है। कभी कभी दिखा है कि यहाँ पर जो है गड्ढे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, चेहरा बिल्कुल सैक करने लगता है और ऊपर वाला होंठ की थिकनेस कम हो जाती है। ये सारे बदलाव हैं जो उम्र के साथ आने ही हैं, किसी के जल्दी आएंगे, किसी के ज़्यादा देर में आएंगे। अगर हमें अपनी उम्र को दूर रखना है, अपने चेहरे की बनावट को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल लाइवली रखना है, फंक्शनल रखना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी तरकीबें हैं। मान लीजिए कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत हैं, हमारे पास इसका इलाज है बोटॉक्स। बोटॉक्स इंजेक्शन लगा के सारी झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। अगर आपकी ये जो फोल्ड्स हैं, नेजोलेबियल फोल्ड्स बोलते हैं, अगर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत गड्ढे हो रहे हैं, तो उसमें फिलर्स लगा दिए जाते हैं। अभी मैं एक अपने मित्र से मिला, वो लगभग मेरी एज के हैं लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मैंने गौर किया क्योंकि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो गौर किया कि उनके होंठ बिल्कुल जो है अंदर चला गया, एज का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यूजुअली ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं सूरज की, उसकी वजह से ज़्यादा होता है, तो होंठ पूरा उनका अंदर चला गया है। उनको मुझे काउंसिल करना पड़ा और फिर हमने उनके फिलर्स लगा के उनके होंठ की बनावट और जैसा वो दिखना चाहिए उसको पूरी तरह से यथावत किया। इसके अलावा और भी कई तरकीबें हैं जहाँ पे हम लोग फेशियल मसाज अल्ट्रासोनिक थेरेपी के थ्रू देते हैं, उस तरीके से भी ये चेहरे की मांसपेशियाँ एक्टिव होती हैं। तो अगर मोटी मोटी अगर हम बात करें, अगर हमें चेहरे को अब ध्यान दे के चलना है तो मांसपेशियों पर भी ध्यान देना होगा और हड्डियों पर भी ध्यान देना होगा। और ऑब्वियसली बात है, जैसा मैंने कहा कि मांसपेशियाँ स्किन से भी जुड़ी होती हैं, तो स्किन की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। जो चेहरे की स्किन है वो भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड अगर कोई पार्ट है पूरे बॉडी का तो फेस का स्किन है, क्योंकि आप पाँव पे, हाथ पे, पैर पे, पूरी बॉडी पे कपड़ा पहन सकते हैं लेकिन चेहरे पे अक्सर आप नहीं पहनेंगे। चेहरा आपके व्यक्तित्व की पहचान है, तो उसको आपको ओपन ही रखना होता है ज़्यादातर। लेकिन चेहरे की बनावट, क्योंकि अब हमेशा ओपन है, तो हर तरीके का केमिकल एक्सपोजर, थर्मल एक्सपोजर, फिजिकल एक्सपोजर, सारे एक्सपोजर्स होंगे, तो सारा का सारा जो बोझ है, सारा ब्रंट है, वो उसी को झेलना है आपकी फेस की स्किन को, तो उसका आपको बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। केयर के अलावा अगर उसमें कुछ बीमारियां डेवलप हो रही हैं, कुछ भी उसमें बदलाव आ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप स्किन सन के साथ बहुत एक्सपोज्ड है तो उसमें पिगमेंटेशन बहुत होगा, तो उसके लिए आपको हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करके चलना है। अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स आ गए हैं, जगह जगह फ्रीकल्स आ गए हैं, तो उसके लिए आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जन या किसी कॉस्मेटिक सर्जन से मिलना होगा, जो आपको उसके लिए दवाइयाँ बताएंगे, हाइड्राफेशियल थेरेपी होती है वो बताएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने चेहरे का ख्याल करना है, आपकी स्किन का ख्याल करना है, मांसपेशियों का ख्याल करना है और चेहरे की हड्डियों का ख्याल करना है। इसके अलावा और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए और जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।